मारुति वैगनर के सीरीज पेट्रोल प्लस सीएनजी कार 2016 मॉडल है। तो गाड़ी के अंदर कंप्लेंट ये है कि चलते चलते 5-10 किलोमीटर के बाद ऑटोमेटिक गाड़ी पेट्रोल में सीएनजी से पेट्रोल में आ जाती है और फिर सीएनजी में करते फिर से पेट्रोल में आ जाती शिफ्ट हो जाती है। तो हमने इसमें एक फॉल्ट देखा है कि फॉल्ट ये आ रहा है कि इधर सीएनजी की जो लाइट है कभी आती है कभी नहीं आती, अभी आ रही है फ्रेंड। रही थी, हमने इग्निशन बंद किया फिर ऑन करेंगे तो देख सकते हैं फिर से लाइट नहीं आ रही। और यहाँ पे क्या होता है कि जो लाइट है सीएनजी का इग्निशन बंद करके ऑन करेंगे तो दो टाइम ब्लिंक करेगा सीएनजी की लाइट, उसके बाद नहीं ब्लिंक करेगी। तो ये प्रॉब्लम है, हमने इसमें डायग्नोस किए हैं फ्रेंड, ये सीएनजी की लाइट इग्निशन ऑन करने पर आनी चाहिए तभी हमारा प्रॉब्लम क्लियर होएगा। तो हम पहले स्कैनिंग करके देखेंगे फ्रेंड सीएनजी पे, सीएनजी पे चेक करेंगे सीएनजी में क्या फॉल्ट आ रहा है, नहीं हो पा रहा है सीएनजी का। तो अभी हम एसीएम में चेक करेंगे, एसीएम में क्या फॉल्ट वगैरह सब ले लिया है। एट फोल्ड कोड तो देख सकते हैं U0108 लॉस कम्युनिकेशन करके एरर आ रहा है, वो भी करंट में आ रहा है फ्रेंड। तो इसको देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है कार के अंदर, तो वायरिंग और फ्यूज वगैरह सारा चेक करके लेंगे। तो पहला जो नीचे फ्यूज आता है डैशबोर्ड के नीचे वो चेक करेंगे, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। सीएनजी का फ्यूज का लोकेशन है तो इसको हम चेक करके लेंगे इसमें सप्लाई आ रहा है या नहीं। तो 7.5 एम्पीयर का फ्यूज़ आएगा तो इसमें सप्लाई आ रहा है, फ्यूज़ हमारा ओके है यहाँ पे। ये इसका लोकेशन है बाहर का सीएनजी का, 7.5 एम्पीयर का फ्यूज़ आएगा, इसको भी चेक करके ले रहे हैं। तो ये फ्यूज़ भी ओके है, रिले भी चेंज करके देखा, ये रिले का लोकेशन है, रिले भी चेंज करके देखा तो रिले भी ओके है। तो इसकी वायरिंग बाकी सब चेक करके लेंगे हम, पहले तो यहाँ की वायरिंग सारा चेक करके लेंगे कि बराबर है या नहीं, क्योंकि सुबह ने या पहले रिपेयर किया हुआ है तो इसकी पूरी वायरिंग चेक करके लेंगे। वापस इसकी कॉम्बिनेशन की वायर चेक करके लेंगे, यहाँ से एसीएम तक का ये हमारा रूम है इसका वायरिंग का सीएनजी का, ये चेक करके लेंगे क्वांटिटी बराबर है या नहीं। तो ये कॉम्बिनेशन अपना इसका वायर है सीएनजी का, ये दो वायरिंग है तो ज़्यादा करके ये रेड और वाइट चेक करना है हमको, क्योंकि यहाँ तक अपने एसीएम तक का क्वांटिटी बराबर आ रहा है कि नहीं। ये भी ओके रहेगा तो हमारा इसके अंदर फॉल्ट रहेगा एसीएम के अंदर, क्योंकि ये सप्लाई इसको सिंगल भेजता नहीं एसीएम को। ठीक है फ्रेंड, बाकी हम चेक करके इसको वायरिंग पूरी चेक करके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।